हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। हर साल ये पूजा दीपावली के अगले दिन होती है। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान करने के बाद गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। गोवर्धन पर्वत के पास ग्वाल बाल की आकृति बनाएं और फिर उसके पास ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण को धूप दीप से आरती करें और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा को लेकर वृंदावन मथुरा बरसाना गोकुल के लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। वैसे तो ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में इसका खास महत्व है। कृष्ण नगरी मथुरा में विशेष रूप से गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गाय पूजन का भी बड़ा महत्व माना जाता है। गोवर्धन पूजा की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार का नाश किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार इंद्र क्रोध में आकर ब्रज में तेज वर्षा करने लगे। ब्रजवासियों की तेज वर्षा से रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आने को कहा, जिसके बाद इंद्र का अभिमान टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि इसी दिन से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। माना जाता है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है। गोवर्धन पूजा को लोग अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का भी विधान है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है। इसी वजह से इस पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान, मिठाई से भगवान का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। खासतौर पर अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है।